अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को याद होगा हमने दो टाइप्स के और उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था। आज हमने टाइप थ्री से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो टाइप थ्री में आपके पास क्या आता है कि हमारे पास टाइप थ्री में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने कहा था कि जो वेरिएबल एक्स है वो एक्सपोनेंट में अगर होता है, और आल कार्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने उसमें डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें भी लिखी हुई है ऊपर, इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में आ जाए मतलब पावर में आ जाए, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, जिसमें यानी कि एक्स पावर में आ रहा हो, तो आपने देखते समझ जाना ये क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये है आपकी टाइप थ्री, ठीक है। रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसमें एक्स को वन ओवर एक्स से रिप्लेस करें तो क्वेश्चन सेम रहे, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। या तो इसमें वन ओवर एक्स की फॉर्म में कोई ना कोई आ रहा होगा तो आपको देखते पता चल जाएगा, अदरवाइज इसमें ना एक्स की, जैसे अगर हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था ना, एक पहली टाइप पढ़ी थी उसमें फर्स्ट फर्स्ट होता है और दूसरे वाला उसका डबल, हाँ पावर में हमेशा डबल आ रहा था, तो हम तो टाइप वन कहते। लेकिन जिसमें एक्स की पहले से लेकर यानी कि फोर डिफरेंट पावर्स आ रही हों, ठीक है, कम से कम इसमें फोर डिफरेंट तो आती आती हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पावर्स आ रही हैं जैसे वन से लेकर फोर तक, ठीक है। इसमें चार डिफरेंट पावर्स आती हैं क्योंकि सीक्वेंस आती है 1 2 3 4, जैसे इसमें एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर है, थ्री है, फिर फोर है, ठीक है। इस तरह आ रही हो और एक्स को वन ओवर से रिप्लेस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह फिर आप क्या करते हो, इसमें इसको ऐसे सॉल्व करते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना है, क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोगों को पता है हमने क्वेश्चन नंबर 9 11 12 सारे कर लिए थे, 13 भी हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें, साफ जाहिर है टाइप थ्री का, तो सीधे सीधे पता चल जाएगा जब एक्स पावर में आ रहा होगा। इसमें एक्स पावर में आ रहा है, आपने क्या करते थे कि आप तो यानी कि कॉन्स्टेंट को लग करते थे पावर से और दो एक्स वेरिएबल को लग करते थे, 2x + 1 आ रहा है ना पावर में, तो 2x को लग करोगे और 1 को लग करोगे, ठीक है। तो इस तरह यानी कि 2x और 2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, इस तरह 2 की पावर x, ये तो वैसे ही अलग करके आपने लिख लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, इस 2 की पावर 2x की जगह यानी कि 2 की पावर 2, ये तो जो सिंपल ये वाली चीज़ होती है ना, हमेशा हमने जो टाइप वन भी पढ़ी थी उसमें भी हम, अगर यहाँ पे एक्स की पावर 6 आ रहा होता था, यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ रहा होता था, हम हमेशा क्या करते थे, एक्स की पावर यानी कि 2 को या 3 को जो भी आता था छोटी वाली पावर को ही पुट करते थे। इसमें भी आपने 2 की पावर 2x बड़ी पावर है, 2 की पावर x छोटी पावर है, आपने हमेशा छोटी को पुट करना है। 2 की पावर x को वाई के कुल पुट करोगे, 2 की पावर 2x किसके कुल आ जाएगा, वाई के स्केयर के कुल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि जब आप 2 की पावर x की पावर यानी कि 2 की पावर x का स्क्वेयर लोगे तो वही बनेगा 2 की पावर 2x, ठीक है। तो ये आपके पास पावर के रूल्स हैं, हम लोगों ने जब पावर्स के बारे में पढ़ा होगा तो ये आया होगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट आपके पास ये वाई की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया आपने, सॉल्व कर लिया, जैसे हमने पहले एग्जांपल में भी डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है, 2 की पावर x = 1, इसको आप 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0, क्यों, इन जो क्वेश्चन में है इसमें आपने हमेशा यही करना है कि आपने पावर बेस सेम करके जो है ना उनको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि अब इसमें वेरिएबल आ रहा है एज अ क्या कहते हैं पावर आ रहा है, तो इसमें कंपेरिजन के अलावा और किसी तरीके से नहीं होता। जो पहले क्वेश्चन आए थे उसमें क्या था, पावर सेम थी नहीं, इसमें हम आपके पास क्या है, इख्तियार है कि आप उसकी बेस को सेम कर सकते हो। तो 2 की पावर 0 हमेशा ही ऐसे होता है कि आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, 1/8 है, 1/8 को क्या मतलब है कि आप 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर -3 लिख सकते हो 1/8 को, ठीक है। तो वो x = -, मतलब माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 हमने किया है अभी अभी, ठीक है। 15 से स्टार्ट, 15 है, 2 की पावर x है, 2 की पावर -x + 6 है, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर x है और आपके पास क्या है, दूसरे वाला यानी कि 2 की पावर -x, आपको एक्सपोनेंट देखने तो पता चल गया होगा कि डायरेक्ट ये एक्स अगर पावर में आ रहा है, इट मींस यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि अब इसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले अरेंज करोगे, एक्स को अलग कर लोगे, 6 को आपने अलग कर लिया, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 की पावर आपको पता नेगेटिव पावर है, आप हमेशा पॉजिटिव करोगे, उसको नीचे ले जाओगे, ठीक है। तो ये 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर x है, ठीक है। अब आपने क्या किया, पूरी की पूरी क्वेश्चन को 2 की पावर x से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको बटे में नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ बटे में नहीं चाहिए होती, हमेशा जो नीचे आती है, इसका जो एलसीएम आ रहा है कुछ क्वेश्चन का आपको पता होगा, जब आपने लीनियर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, जो एलसीएम आता है हम हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर x को, हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होता नीचे, क्योंकि उसको फिर, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 की पावर 2x + 64 - 20 अभी हमारी फॉर्म बन गई है। अब इसमें क्या करोगे, छोटी वाली पावर क्या है, 2 की पावर x है, उसको इक्वल टू यानी कि इन्होंने गलत लिखी हुई है, इनको अरेंज करके लिखना चाहिए,
ये देखिए आर टू की पावर टू एक्स माइनस ट्वेंटी डॉट टू की पावर एक्स प्लस 64। अब टू की पावर एक्स को जो छोटी वाली पावर दो पावर्स है ना, टू की पावर टू एक्स है और टू की पावर एक्स है, टू की पावर एक्स छोटी पावर है, टू की पावर एक्स को इक्वल टू वाई पुट करेंगे, टू की पावर टू एक्स को वाई का स्क्वायर का आ जाएगा और आगे से बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जैसे कंपेयर। और जब कंपेयर करना होगा देखें यहाँ पे 16 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट सॉल्व करना है, आपकी मर्ज़ी आप इससे करें, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ही सॉल्व करें हमेशा, क्योंकि उससे एग्जैक्ट आंसर निकल आता है। कभी कभी ऐसा होता है आप खपते रहते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो ना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तो फिर उससे करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि ये वाला स्टेटिस्टिका जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक से हर चीज़ का जो सलूशन है वो डायरेक्टली निकल आता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप लोग जो है ना उसी से सॉल्व करें, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू 16 वाई इक्वल टू 4 आ गया, आपको पता है 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इस तरह 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो अब कंपेयर करना आसान हो जाएगा। बेस सेम है यानी कि 2 है, इधर भी 2 है नीचे, और ऊपर पावर जो होगी जब बेस सेम होती है तो पावर भी क्या हो जाती है सेम हो जाती है, ठीक है। फिर 16 है आपके पास, ठीक है, 16 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। 2 की पावर 2 में से पहले आप क्या करोगे, ये 2 की पावर 2x लिख सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो भी टर्म होती है आपने उसका यहाँ पे हमेशा स्केयर लिखना होता है, ठीक है, तो इसको 2 की पावर 2x में लेके जाओगे, 2 की पावर में ही लेके जाओगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है आपने। और यहाँ पे 2 की पावर x है और 3 लग कर लोगे तो ये आपके पास 8 बन जाएगा। 2 की पावर 2x इसलिए किया था ताकि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पे हो तो आपके पास आसानी हो जाती है। अगर आप ना भी लिखते 4 की पावर x को, बाद में भी आप देखते थे कि ये जो 4 की पावर x है जब आप पूरी क्वेश्चन को y में लेके जा रहे हो तो आपने 4 की पावर x को भी y में लेके जाना था, फिर आपने देखना था कि 4 की पावर x जो है वो क्या बन रहा है, 2 की पावर x का स्क्वायर ही बन रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यानी कि 2 की पावर जो x है उसका स्क्वायर लेने पर आपके पास क्या आता है, यानी कि 4 आता है, ठीक है।